लाइफ में आपको शांति, एक उद्देश्य और एक हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरितोष और आज मैं लेके आया हूँ बुक रिव्यू ऑफ द वे ऑफ द मंक। द वे ऑफ द मंक लिखी गई है गौर गोपाल दास के द्वारा। गौर गोपाल दास एक फेमस मोटिवेशनल कोच एंड मंक। ये एक 195 पेजेस की बुक है जो कि फुल ऑफ एनोलॉजी और स्टोरीज हैं, और ये आपको बताती है कि आप अपने जीवन में कैसे और ज्यादा अचीव कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन में और ज्यादा हैप्पीनेस आ सकती है, कैसे आपके जीवन में शांति आ सकती है। ये पूरी बुक एक एनोलॉजी है। एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कि एक कार में चार पहिए होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में चार एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें बैलेंस करना होता है टू गेन हैप्पीनेस एंड जॉय। ये एक स्टोरी है हरि प्रसाद अय्यर की, जिन्होंने गौर गोपाल दास को अपने घर पे लंच के लिए बुलाया था, और अब वो गौर गोपाल दास को उनके आश्रम अपने कार में ड्रॉप करने जा रहे हैं और वो एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। और ये पूरी बुक उस कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड है, वो जो बातचीत होती है हरि प्रसाद अय्यर और गौर गोपाल दास के बीच में, जिसमें गौर गोपाल दास चार एस्पेक्ट बताते हैं, ये पूरी बुक उसके अराउंड है, उसके आसपास है। तो जो पहला एस्पेक्ट है वो है पर्सनल, आपका व्यक्तिगत, और इस व्यक्तिगत स्पेस में आप, ये जो व्यक्तिगत एस्पेक्ट है उसमें आप कैसे ग्रो करें, उसके लिए उन्होंने चार चीजें बताई हैं। पहली है ग्रोइंग थ्रू ग्रेटिट्यूड, कैसे आप नो ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटफुल हैं उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कैसे किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रह करके, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर आप उसमें कोई भी एक पॉजिटिव निकाल लें तो उससे आपको एक लाइफ में एनर्जी मिलती है ताकि आप आगे बढ़ सकें। जो दूसरी बात है वो है इसमें प्रेसिंग पॉज, एक जो हमें थोड़ा रुकने की जरूरत होती है, थोड़ा ठहराव की जरूरत होती है कि हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें कि हमने क्या क्या पाया है जिंदगी में, क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या हमने अचीव किया है और हम इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, उससे हमारी लाइफ, स्पेशली जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल लाइफ है, वो बेटर होती है। थर्ड जो है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है वाई वरी, और ये बताते हैं स्टोरी ऑफ व्हाट्सएप फाउंडर्स, जो कि जिनको ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया था, कुछ दिन बाद फेसबुक ने रिजेक्ट कर लिया था और वो फिर भी लगे हुए थे। और आज सबको पता है कि हम व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते, हमारी लाइफ में व्हाट्सएप की कितनी अहमियत हो गई है। तो उन्होंने एक ये बेहतरीन डायग्राम दिखाया था जो कि वाई वरी, अगर आप कुछ कर सकते हैं यू डोंट नीड टू वरी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चौथी चीज उन्होंने बताई थी वो थी अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कैसे आप जैसे कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, हम सबके तरीके अलग अलग हैं और उन्होंने किसी भी तरीके को फोर्स नहीं किया है, बट उन्होंने बताया है कि हमें बहुत जरूरी है कि हम मेडिटेट करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे हम वो जो स्पिरिचुअल है, वो जो एनर्जी है उससे कनेक्ट कर सकें। वो अपनी अपनी बात बताते हैं कि वो मंत्रा मेडिटेशन यानी कि मंत्र जाप करते हैं, जो कि उनको लगता है एक प्लेन की तरह, एक जहाज की तरह आपको एक जगह से उठाता है और फिर आपको एक दूसरी जगह ले जाता है। तो ये चार चीजें उन्होंने बताई थी, जो हमारे पहला एस्पेक्ट है पर्सनल एस्पेक्ट यानी जो व्यक्तिगत पहलू है उसके बारे में। बात करते हैं दूसरे पहलू की, जो है रिलेशनशिप्स, कैसे आप दूसरों से अपने रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने अगेन चार बातें बताई हैं। पहली चीज है स्पीकिंग सेंसिटिवली, उन्होंने बोला है कि आपको जब भी कुछ बोलो आप तो सेंसिटिव तरीके से बोलो, बोथ विथ योर वर्ड्स और अपने एक्शन से। बहुत ही एक बेहतरीन स्टोरी उन्होंने बताई है कि एक बार वो कपड़े धोने के लिए बकेट को उन्होंने पैर से किक कर दिया था, एंड एक जो बड़े सीनियर मंक थे वो आए और उन्होंने उनको बताया कि जो आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव चीजों के साथ करते हैं, वही चीजें धीरे धीरे आप बाकी लोगों के साथ भी करने लगते हैं। तो इवन विथ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव चीजें, उनके साथ भी आपको सेंसिटिवली पेश आना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है अ वर्चुअस विजन, उन्होंने बताया कि हम कैसे लोगों को जज करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पांच तरीके होते हैं,
जिससे आप लोगों को जज करते हैं। पहला होता है कि हम लोगों में सिर्फ बुरा देखते हैं और उसको मैग्निफाई करते हैं, उसको कुछ बुरा देखते हैं लोगों में और उसको खूब बढ़ा देते हैं। दूसरा है हम लोगों में दोनों अच्छा और बुरा देखते हैं, तो अच्छा देखते हैं बट उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ बुरे पे फोकस करते हैं। तीसरा होता है कि हम दोनों देखते हैं और दोनों निग्लेक्ट कर देते हैं। चौथा होता है कि हम बुरा चौथा होगा कि हम बुरे को निग्लेक्ट कर दें और जो अच्छा है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें। और लास्ट होता है कि हम सिर्फ अच्छा देखें और उसको मैग्निफाई करें। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है तो हमें चौथी चीज करना चाहिए, जिसमें हम अच्छा और बुरा दोनों देखें किसी का, बट बुरे को नजरअंदाज करें, निग्लेक्ट करके अच्छे पे फोकस करें। जो थर्ड चीज वो बताते हैं रिलेशनशिप में वो है करेक्टिंग कॉशियसली। बहुत बार हम लोग गुस्से में लोगों को जवाब दे देते हैं, लोग कहते हैं तुमने ये ऐसे नहीं किया, तुमने वो वैसे नहीं किया। तो वो भी वो एक स्टोरी बताते हैं, जब वो नेपाल में थे और उनकी अपने एक सीनियर मांग से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे वो, तो उन्होंने भी ये बताया कि अगर हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं, किसी में हम बोल रहे हैं कि उनको सुधार करना चाहिए, तो हमें ये चार चीजें ध्यान देनी चाहिए कि क्या हम सही इंसान है, एम आई द राइट पर्सन टू करेक्ट देम, हम सही इंसान है जो हम उनको करेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारा मोटिव सही है, डू आई हैव द राइट मोटिव, हमारा उद्देश्य सही है, हम सिर्फ पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा है डू आई नो द राइट वे, मुझे सही तरीका पता है, ये सही तरीका है उनको करेक्ट करने का, उनको बताने का। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है इज इट द राइट टाइम, क्या ये सही समय है, सही वक्त है उनको करेक्ट करने का, या फिर हम उसको दूसरे टाइम पे कर सकते हैं। तो चौथी बात बताते हैं रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, वो है फॉरगिवनेस, किसी को कैसे माफी करना। और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही डीप और ऑब्स्क्योर वैल्यू है, बहुत ही गहरी चीज है जो कि हमें सीखनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। और उसमें वो कहते हैं कि हमेशा जब हम कोई बुरा करता है तो हमें यू हैव टू लुक बियॉन्ड द सिचुएशन, वो जो उस टाइम पे घटना है या कुछ है उससे परे देखना चाहिए। और हमें वी शुड सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्पस, जो भी घटना हुई है उसको किसी किसी पर्सन से नहीं जोड़ना चाहिए, घटना अलग पर्सन अलग होना चाहिए। और हमें वी शुड नीड टू लुक एट द हायर पर्पस, उसका बड़ा उद्देश्य क्या है, उस पर बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही वो लास्ट में बोलते हैं कि वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि देयर इज जस्टिस, हमें न्याय करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि पर्सनल लेवल पे आप लोगों को कई बार माफ कर सकते हैं, बट अगर कुछ सोसाइटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे है, जैसे कि निर्भया का कांड हुआ था उस केस में, क्योंकि वो पूरे समाज को असर करता है, पूरे देश को असर करता है, उस समय हमें न्याय करना चाहिए, उस समय न्याय होना चाहिए। उस समय पे अगर हम माफ करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। तो ये चार चीजें थी जो उन्होंने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बताई थी, कि हम कैसे सेंसिटिवली बातें करें, कैसे हम लोगों में लोगों की अच्छाइयों पे फोकस करें, बुराइयों को नजरअंदाज करें, लोगों को हम सही समय, अगर हम सही इंसान हैं, हमारा मोटिव सही है, हम सही तरीके से कर सकते हैं, और अगर ये सही टाइम है तभी हम लोगों को करेक्ट करें, सही करें, और लोगों को हम इन जनरल अगर हो सके तो फॉरगिव कर दें, माफ कर दें, एक्सेप्ट कि जब हमारा ये हायर पर्पस हो, जब हमारा सोसाइटी लेवल पे न्याय जरूरी है तो हम करें। तो और अब बात करते हैं वर्क लाइफ की, कि आप वर्क लाइफ में कैसे और हैप्पीनेस और जॉय ला सकते हैं, कैसे आप अपना पर्पस अचीव कर सकते हैं। तो उसमें भी अगेन उन्होंने चार बातें बताई हैं। पहली चीज है कॉम्पिटिशन क्रॉस रोड, हम सबको पता है कि हमारे वर्क लाइफ में कॉम्पिटिशन होता है, बट उन्होंने बताया कि हमेशा कॉम्पिटिशन जो होना चाहिए वो हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, हमेशा हमारा कॉम्पिटिशन होना चाहिए अपने साथ, न कि दूसरों के साथ। हम देखें कि हम कैसे रोज अपने आप से बेटर हो सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या और अपने आप को क्या कर सकते कि हम बेटर हो जाएं। और दूसरा होता है कि उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति हर जगह है, हमें राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है, बट हमें उसको मैनेज करने की जरूरत है, वी नीड टू लर्न टू मैनेज पॉलिटिक्स। जो दूसरी बात उन्होंने की है वो है सेल्फ डिस्कवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि हाउ डू यू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड दीज आर द फोर डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड जब आपको पता चल जाता है कि ये इकिगाई क्या है तो आपको अपने आप को डिस्कवर करने में आसानी होती है और उससे आपको अपना पर्पस पता चल जाता है।
जो तीसरी चीज उन्होंने बताई है वो बताई है डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि बेसिकली तीन तरीके की मिसकंसेप्शन है। पहला है कि जो अगर आप कोई स्पिरिचुअल है तो उसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं हो सकता है, उसके अंदर वो अचीव करने का वो जज्बा नहीं होता कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत ज्यादा करना है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि जो स्पिरिचुअल पीपल हैं वो उनको बिजनेस में लोग आगे बढ़ जाते हैं उनको पीछे छोड़ के, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताई है एक संत और स्नेक की, कैसे संत ने बोला सांप को कि तुम लोगों को मत डसो, फिर लोगों ने उसको मारना परेशान करना शुरू कर दिया, बट संत ने कहा कि मैंने तुमको सिर्फ ये बोला था कि तुम लोगों को डसो नहीं, बट मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को फन काढ़ के डराओ नहीं ताकि तुम अपना खुद का डिफेंस कर सको। तो स्पिरिचुअलिटी भी वैसी है, आपको अपना काम करना है और स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं करने देती कि बिजनेस में आपको लोग छोड़ के आगे निकल जाए। और तीसरा उन्होंने बोला है कि पैसे बनाओ, मेक मनी एंड यूज इट टू सर्व। ठीक है, पैसे आप बनाओ, पैसे अर्न करो और उसका यूज करो कि ताकि आप लोगों की सेवा कर सको, ना कि सिर्फ अपना। तो ऑब्वियसली आपको अपना जीवन यापन करना है, बट उसके साथ अगर उसका कुछ पोर्शन आप जो है लोगों की सेवा में लगा सकते हो तो बिल्कुल करो। जो चौथी चीज उन्होंने बताई है वो है इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। उन्होंने बताया कि एक जो अच्छा कैरेक्टर होता है उससे ना सिर्फ आपका बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। और उन्होंने बताया कि एक कैरेक्टर यानी जो एक चरित्र है उसके लिए तीन चीजें होती हैं, विचार यानी कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, आचार बेसिकली आप उस फिलॉसफी को लेकर के आप कैसे एक्शन लेते हैं, आप क्या करते हैं, और थर्ड चीज है प्रचार यानी कि आप वो जो एक्शन है उसको आप कैसे लोगों को दिखाते हैं। तो विचार, आचार एंड प्रचार, ये चीजें हैं जो आपकी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर को बढ़ाती हैं। तो ये उन्होंने चार चीजें बताई हैं वर्क लाइफ से रिलेटेड, बहुत ही बेहतरीन, और आई होप आपको भी अच्छा लगा है। तो चौथा एस्पेक्ट उन्होंने बताया वो है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन का, सामाजिक योगदान हम कैसे कर सकते हैं। अगेन इसमें भी उन्होंने चार चीजें बताई हैं। पहला है सेल्फलेस सेक्रीफाइस यानी कि निस्वार्थ भाव से कैसे हम त्याग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो आप देख रहे हैं, आइसक्रीम और कैंडल का, यानी आइसक्रीम और मोमबत्ती का, दोनों ही पिघलती हैं, बट जो आइसक्रीम होती है उसका ये होता है कि आप उसको सिर्फ इंजॉय करते हैं, वो सिर्फ इंजॉय करती है बिफोर वो पिघल जाए, जबकि जो कैंडल होती है, जो मोमबत्ती होती है, उसका काम होता है कि वो दूसरों को लाइट दे सके, दूसरों को उजाला दे सके, दूसरों को उनका रास्ता बता सके बिफोर वो मेल्ट हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि सर्विस के थ्रू यानी कि सेवा के थ्रू वो आइसक्रीम से कैंडल की तरफ हम मूव कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने बताया सोशल कंट्रीब्यूशन जो स्टार्ट होता है वो होता है फैमिली से। तो हमें अपनी फैमिली में सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ भाव लाने की जरूरत है। हम अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से करें। और उसी से उन्होंने फिर तीसरा पॉइंट लिख किया है वो है नेशन नैरेटिव, जहाँ पे हम अपना जो ये निस्वार्थ भाव का ये जो सर्कल है, निस्वार्थ भाव का जो पूरा घेरा है उसको बढ़ाएं और उसको हम अपने कम्युनिटी, अपने समाज, अपने देश के लिए करें। और उन्होंने जैसे कि हमारे इतने सारे सैनिक भाई करते हैं अपने देश की सेवा लगे रहते हैं, तो उस टाइप की हम चीजें कर सकते हैं। और लास्ट और आखिरी चीज जो उन्होंने बताई है वो है कि जब हम सर्विस करते हैं यानी सेवा करते हैं, उन्होंने बताया कि सर्विस को हिंदी में सेवा कहते हैं, उन्होंने लिखा है बुक में एक्सप्लिसिटली। तो जो सेवा होता है और उसमें जब हम अपना स्पिरिचुअल एलिमेंट जोड़ देते हैं तो उससे हमें मिलता है जॉय और फुलफिलमेंट। तो ये चार एस्पेक्ट उन्होंने लाइफ के बताए थे पर्सनल। रिलेशनशिप वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा एस्पेक्ट था जिससे आप जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपकी लर्निंग क्या थी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।